हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एम पॉली पर। तो इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बट जॉइंट के बारे में। एकदम जीरो से हीरो तक का सफर रहेगा हमारा बट जॉइंट को लेकर के। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ वेल्ड जॉइंट के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने लैप जॉइंट के बारे में भी पढ़ा और बट जॉइंट के बारे में भी पढ़ा। लैप जॉइंट को फिलेट जॉइंट भी बोलता है कहीं कहीं, और कहीं कहीं सिर्फ लैप जॉइंट बोलता है। और अब हम पढ़ेंगे बट जॉइंट के बारे में। तो लास्ट लेक्चर में अगर लैप जॉइंट आपने नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ सकते हैं जाकर के। अभी आप बट जॉइंट के बारे में समझेंगे कि बट जॉइंट क्या होता है। देखिए, मेरे पास क्या है, दो शीट्स हैं। सपोज मेरे पास दो शीट्स हैं, एक ए और एक बी। मैंने क्या किया, जब मैं लैप जॉइंट बनाता था तो मैं क्या करता था, ए शीट के ऊपर बी शीट को रख करके वेल्ड कर दिया करते थे, तो हमारा एक लैप जॉइंट बन जाता था। ऊपर भी वेल्ड कर दिया तो सिंगल फिलेट, और नीचे भी वेल्ड कर दिया तो डबल फिलेट। ये हुआ लैप जॉइंट। अब जब हम बात करते हैं बट जॉइंट की, तो बट जॉइंट कैसे बनता है कि मैं ए शीट को बी शीट की बराबर में लाता हूं और यहां पर वेल्ड कर देता हूं इस जगह पर। जैसे ही मैं इस जगह पर वेल्ड करता हूं तो मेरा एक जॉइंट बनता है जिसको हम बोलते हैं बट जॉइंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, बट जॉइंट बोलते हैं। तो दोनों एंड पॉइंट को मिलाकर जो जॉइंट बनता है वो कौन सा जॉइंट है, वो है बट जॉइंट। अब हमने कुछ चार पॉइंट अपने बोर्ड पर लिखे हुए हैं बट जॉइंट के बारे में, वो आप समझिए कि वो क्या है। देखिए, टू पार्ट्स आर लाई ऑन द सेम प्लेन और साइड बाय साइड। तो दोनों पार्ट्स को हमें क्या करना है, लाई कराना है सेम प्लेन पर। अब देखो, ये दोनों जो पार्ट्स हैं ये सेम प्लेन पर ही तो हैं, ये सेम प्लेन पर ही हैं, तभी तो ये क्या है, ये बट जॉइंट बना पा रहे हैं और एक दूसरे के साइड बाय साइड भी है। तो ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तभी आप कौन सा जॉइंट बनाएंगे, आप बनाएंगे बट जॉइंट। दूसरा पॉइंट आता है आपका, इट इज द मोस्ट सिंपलेस्ट टाइप ऑफ जॉइंट यूज टू जॉइन मेटल। तो ये क्या है, सबसे आसान जॉइंट्स में से एक है जो क्या बनाता है, एक वेल्ड जॉइंट बनाता है। ठीक है, जो एक मेटल को जॉइन करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, सबसे आसान जॉइंट माना जाता है। तीसरा पॉइंट आता है इन बट वेल्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान से समझिएगा। द प्लेट एजेस डू नॉट रिक्वायर बेवलिंग If the thickness of the plate is less than 5 mm, ये बोल रहा है कि अगर प्लेट की एजेस को बेवलिंग की जरूरत नहीं है, प्लेट की जो एजेस हैं उनको बेवलिंग की जरूरत नहीं है, अगर उनकी जो थिकनेस है वो 5 mm से कम है। तो पॉइंट यहां पर ये आता है कि सर बेवलिंग का क्या मतलब है। बेवलिंग का मतलब ये होता है कि हम दोनों प्लेट्स में कट लगा देते हैं, दोनों साइड से क्या करते हैं, कट लगा देते हैं। दिखाता हूं मैं आपको, ये देखिए, जैसे यहां है तो ये दोनों साइड क्या है, प्लेट में कट लगाया गया है, इसलिए ताकि ज्यादा से ज्यादा फिलर मटेरियल इसमें भरा जा सके और दोनों प्लेट्स को अच्छे से जॉइन किया जा सके और इनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए, वेल्ड जॉइंट की स्ट्रेंथ बढ़ जाए। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बेवलिंग। बेवलिंग बेसिकली क्या करते हैं, कट कर देते हैं, दोनों प्लेट्स को कट किया और आपस में जोड़ दिया और वेल्ड कर दिया। तो फिलर मटेरियल कट करने के बाद ज्यादा भरा जाएगा एज कंपेयर टू बिना कट किए हुए। अब ये बोल रहा है, तो आपको एक चीज समझनी है कि बेवलिंग की जरूरत कब नहीं है, अगर जो हम अगर हमारी प्लेट की थिकनेस 5 mm से कम है, तो 5 mm से कम अगर प्लेट की थिकनेस है तो बेवलिंग करने की जरूरत हमें नहीं होती है। लास्ट पॉइंट आता है, इफ द प्लेट थिकनेस इज 5 mm टू 125 mm, द एजेस शुड बी बेवल्ड टू वी और यू ग्रूव ऑन बोथ साइड। तो प्लेट की थिकनेस अगर 5 mm से 125 mm तक है तो आप बेवलिंग कर सकते हैं, यानी कि कट लगा सकते हैं। कैसे कैसे कट लगा सकते हैं, या तो यू शेप में कट लगा सकते हैं या फिर वी शेप में कट लगा सकते हैं, या तो यू शेप में कट लगा सकते हैं या फिर वी शेप में कट लगा सकते हैं आप, उसको क्या बोलेंगे, बेवलिंग करना बोलेंगे। लेकिन कंडीशन क्या है, अगर हमारी प्लेट की थिकनेस 5 mm से ज्यादा है और 125 mm तक है तो आप बेवलिंग आसानी से कर सकते हैं। अब हम बट जॉइंट के डायग्राम को समझेंगे। मैं थोड़ा इसको जूम करता हूं ताकि आपको और अच्छे से ये क्लियर हो पाए। ये देखिए, ये जो डायग्राम आपको शो हो रहा है सामने, इसमें कुछ जो है इसके कुछ नाम है जो हमें याद करने होते हैं और ये एग्जाम में भी बनाने के लिए आ जाता है। अगर सिंपली आपसे ये भी पूछता है
कि बट जॉइंट के बारे में बताइए और आप साथ में डायग्राम भी बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे उस बच्चे से जो कि सिर्फ डेफिनेशन लिख करके आ रहा है, क्योंकि डेफिनेशन तो बहुत आसान है, डेफिनेशन तो सबसे ज्यादा आसान है, दो लाइन में खत्म हो जाती है। तो अगर आपने डायग्राम बना दिया तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो हमारा ये वेल्ड वाला जोन एरिया है, इसको बोलते हैं वेल्ड जोन, ठीक है। जो हमारा वेल्ड वाला एरिया है उसको बोलते हैं वेल्ड जोन। जो हमारी दो मेटल्स हैं जिसको हम आपस में जोड़ रहे हैं उनको बोलते हैं पेरेंट मेटल। ये भी पेरेंट मेटल है और ये भी पेरेंट मेटल है। जो वेल्ड का ऊपर वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं वेल्ड फेस। क्या बोलते हैं? वेल्ड फेस बोलते हैं। जो हमारा आगे वाला एरिया है उसको बोलते हैं फ्यूजन लाइन या फ्यूजन जोन भी बोलते हैं इसको। फ्यूजन लाइन भी बोलते हैं, फ्यूजन जोन भी बोलते हैं। उसके बाद आता है वेल्ड मेटल या वेल्ड मटेरियल। ये क्या है? वेल्ड मेटल ही तो है। यहाँ पे क्या भर रहे हैं हम? जो मटेरियल है जिससे हम क्या कर रहे हैं? वेल्डिंग कर रहे हैं। तो इसको वेल्ड मटेरियल भी बोलते हैं और वेल्ड मेटल भी बोलते हैं। तो यहाँ पर वेल्ड मेटल यहाँ पर लिखा हुआ है, ओके। और ये जो चीजें हैं, जैसे एक्सेस वेल्ड मेटल, एक्सेस वेल्ड मेटल का मतलब क्या है? जो ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा निकला हुआ है वो आगे से भी निकला होगा और ऊपर से भी निकला होगा। तो दोनों चीजें यहाँ पर दिखाई गई है। तो ये मटेरियल, ये जो डायग्राम है इसकी प्रैक्टिस आप जरूर करें, दो तीन बार बनाएंगे तो याद हो जाएगा। कॉपी में बनाइएगा इसको बार बार, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और कॉपी में इसको बार बार बना करके देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। तो यहां से आपके दो तीन नंबर तो पक्के हो ही जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में बट जॉइंट लैप जॉइंट बहुत ज्यादा पूछता है, खासकर इस चैप्टर से। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ बट जॉइंट की। बेसिकली जो हमारा बट जॉइंट है वो पांच टाइप के होते हैं, पांच टाइप के होते हैं और बहुत ही आसान है। पांच टाइप में जो पहला टाइप आता है वो होता है स्क्वायर बट जॉइंट। स्क्वायर बट जॉइंट क्या है कि आपने दो प्लेट साथ में रखी और वेल्ड कर दिया, तो आपका जो जॉइंट बनाएगा वो कौन सा जॉइंट बनाएगा? वो बनाएगा स्क्वायर बट जॉइंट। उसके बाद आता है वी जॉइंट, वी बट जॉइंट, और फिर आता है यू बट जॉइंट। देखिए तो पांच टाइप्स के हैं। पहला हो गया आपका आपका स्क्वायर बट जॉइंट, दूसरा वी बट जॉइंट, वी के पहले लगा होगा सिंगल, थर्ड होगा डबल वी बट जॉइंट, फोर्थ सिंगल यू बट जॉइंट और डबल यू बट जॉइंट। तो अगर आपको दो भी याद है, वी और यू जॉइंट, तो सिंगल और डबल लगा देंगे दोनों के आगे पीछे, है ना? सिंगल वी डबल वी, सिंगल यू डबल यू, और एक है स्क्वायर। स्क्वायर क्या है? सिंपली जैसे आप कॉलेज वगैरह में करते हैं, क्या एक शीट ली दूसरी शीट ली आपस में जोड़ा और वेल्ड कर दिया ऊपर से। तो जो वेल्डिंग होती है तो जॉइंट बनता है, वो कौन सा जॉइंट बनता है? वो बनता है स्क्वायर बट जॉइंट। इस कॉलेज में हम ये नहीं करते, है ना, कटिंग वटिंग नहीं करते, कॉलेज अलाउड भी नहीं करता है, है ना। आपने सोचा, उन्होंने बोला कि प्लेट काटनी है, आपने उंगली काट दी अपनी, है ना, तो दिक्कत आ जाती है। तो वो अलाउड नहीं करते कॉलेज में आपको कि आप कॉलेज में क्या करें, सिंगल वी या डबल वी या सिंगल यू या फिर डबल यू जॉइंट बनाएं। तो हम कॉलेज में सिर्फ क्या बनाते हैं? सिर्फ स्क्वायर बट जॉइंट बनाते हैं। अब जो हमारा वी जॉइंट है उसको थोड़ा सा समझिए। तो वी जॉइंट जो है, आप देख रहे हैं कि ये इस तरह का एक डायग्राम बना हुआ है, ये इस तरीके से बनता है आपका वी बट जॉइंट। ये दोनों जो हमारी प्लेट्स हैं उनमें कट लगाए गए हैं और ये जो बीच का एंगल होगा इनके बीच का, ये होगा 60 डिग्री। कितना होगा? 60 डिग्री होगा। लेकिन आप एक चीज नोटिस करिए यहां पे कि V हमारा कैसा होता है, ये है V, लेकिन ये V थोड़ा अलग है। क्यों? इसके यहां पर ये गैप है, गैप दिया गया है। क्यों दिया गया ये गैप? ये इसलिए दिया जाता है, इसको इस तरीके से बनाया जाता है क्यों? ताकि स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन ना बढ़े, क्योंकि अगर मैं इसको नुकीला बनाऊंगा तो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा और ये यहीं से टूटेगा, ठीक है। तो ये ना टूटे, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन ना बढ़े, इसलिए हम क्या करते हैं? इस तरीके से इसको बनाते हैं। और जब डबल वी की बात आती है तो यहीं से इसको इस तरीके से बना दिया जाता है।
अब समझ में आया ये गैप क्यों दिया गया है। तो इसी तरीके से आप देखेंगे ये वी और ये बीच में जो गैप दिया गया है ये इसीलिए दिया गया है ताकि हम स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन को कम कर सके। तो अब अगर ये हमने ऐसा बनाया है तो इसको स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन का पॉइंट नहीं मिलेगा जहां से इसको टूट जाना चाहिए। जैसे हम क्रिकेट बैट खेलते ना सब लोग, क्रिकेट बैट आप देखेंगे कि वो कभी भी ऐसा नहीं होता, क्रिकेट बैट कभी भी ऐसा नहीं होता। हम क्या करते हैं क्रिकेट बैट को हमेशा यहां से थोड़ा सा कर्व बनाते हैं इसी वजह से ताकि स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन कम हो। अगर ये ऐसा बनाएंगे तो हमेशा क्रिकेट बैट यहीं से टूटेगा, ठीक है। तो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं उसको थोड़ा सा कर्व कर देते हैं, ना कि उसकी एजेस निकालते हैं, उसके कोने निकालते हैं। अब आगे देखते हैं, तो यहां कुछ जॉइंट्स आपको दिखाए गए हैं कि किस किस टाइप के जॉइंट हम बना सकते हैं। इनमें से बहुत सारे जॉइंट्स आपको पता है पहले से, आप लोग खुद बहुत समझदार हैं। तो देखिए बट जॉइंट कैसे बनाया है, हम साथ साथ बनाते चलेंगे अपनी ए शीट बी शीट से। ये बनाया बट जॉइंट, ये है बट जॉइंट, ठीक है। अब बनाया हमने लैप जॉइंट, तो ए शीट के ऊपर बी शीट को रखा, बना हमारा लैप जॉइंट। उसके बाद बनाया टी जॉइंट, दोनों शीट क्या है आपस में परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है टी जॉइंट। उसके बाद आया कॉर्नर जॉइंट, तो दोनों के जो कॉर्नर्स है उन्हें आपस में जोड़ दिया। तो ये जो जॉइंट बना हमारा वो कौन सा जॉइंट बना, कॉर्नर जॉइंट बना। उसके बाद आता है एजेस जॉइंट, दोनों की एजेस को आपस में मिला दिया और यहां पर कर दी वेल्डिंग। तो ये जो जॉइंट बना ये बना एज जॉइंट, कौन सा जॉइंट, एज जॉइंट। तो पांच टाइप के जॉइंट हमारे ये हो जाते हैं। अब हम थोड़ा सा बट जॉइंट की क्या पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, बट जॉइंट क्या बोल रहा है। तो जितना भी मैंने अब तक बोला है वो सब आप इससे रिलेट कर पाएंगे आप बड़ी आसानी से। द मेन डिफरेंस बिटवीन, नहीं पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं बट जॉइंट की। तो बट वेल्ड इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड वर्सटाइल टाइप ऑफ वेल्ड जॉइंट डिजाइन। द जॉइंट इज फॉर्मड सिंपली बाय प्लेसिंग टू प्लेसेस ऑफ मेटल एंड टू एंड एंड देन वेल्डिंग अलोंग द जॉइंट। इंपॉर्टेंटली इन अ बट जॉइंट द सर्फेसेस ऑफ द वर्क पीस बींग जॉइंट आर ऑन द सेम प्लेन and weld metals remains within the planes of the surfaces, thus workpiece are nearly parallel and do not overlap unlike lap joint। क्या बोल रहा है, आप लिख भी सकते हैं इस चीज को या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका और फोन को टिल्ट करके लीजिएगा टेढ़ा करके ताकि आपको ये और अच्छे से क्लियर हो पाए। तो एक बट वेल्ड संयुक्त डिजाइनों के सबसे सरल और बहुमुखी प्रकारों में से एक है। जोड़ केवल धातु के दो टुकड़ों को एंड टू एंड यानी कि उसके जो एंड पॉइंट्स हैं उन्हें जोड़ करके बनाया जाता है, साथ ही वेल्डिंग करके बनाया जाता है। महत्वपूर्ण रूप से एक बट जोड़ में वर्कपीस की सतह एक ही तल पर होती हैं और वेल्ड धातु सतहों के विमानों के भीतर रहती है। इस प्रकार वर्कपीस लगभग समानांतर है ना, समांतर यानी कि सिमिलर और लैप जोड़ों के विपरीत ओवरलैप नहीं होते, यानी कि लैप जॉइंट की तरह एक शीट दूसरी शीट के ऊपर नहीं आती, ठीक है। आगे देखते हैं, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इंक्लूड, देखो कौन कौन से टाइप्स के बट जॉइंट होते हैं हमें पता है, सिंगल वी डबल वी, सिंगल यू डबल यू एंड आपका स्क्वायर बट जॉइंट, ठीक है। जे टाइप का भी होता है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, आप बस इतना ही पढ़िए जितना आपको पढ़ाया जा रहा है। पॉलिटेक्निक में ज्यादा डीप नहीं होता है, तो जितना है उतना आप समझिए। अब बात करते हैं बट वेल्ड में और फिलेट वेल्ड में क्या फर्क है, थोड़ा सा एक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। वैसे आप समझ गए होंगे, आप लिख भी सकते हैं, लेकिन एक बार और थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं। कि द मेन डिफरेंस बिटवीन अ बट एंड अ वेल्ड इज द एंगल बिटवीन द जॉइनिंग ऑफ वर्क पीस। तो देखो बट जॉइंट में और फिलेट जॉइंट में, लैप जॉइंट में क्या फर्क है, सिर्फ एंगल का फर्क है। हम शीट को जो आपस में जोड़ रहे हैं सिर्फ किसका फर्क है, एंगल का फर्क है। देन इट इज अ बट वेल्ड, इफ द सर्फेसेस टू बी जॉइंट आर ऑन द सेम प्लेन, अगर सेम प्लेन पे जोड़ी है दोनों प्लेट्स तो कौन सा जॉइंट बनेगा, जल्दी बताइए बट जॉइंट बनेगा। इफ द सर्फेसेस आर परपेंडिकुलर विद एन एंगल ऑफ 90 डिग्री देन दे आर यूजुअली जॉइंट विद द फिलेट वेल्ड। देखो कितने भी एंगल पे प्लेट को जोड़ो चाहे वो 90 डिग्री पे क्यों ना हो तो उसमें एक फिलेट बनेगा, उसमें क्या बनेगा एक फिलेट बनेगा। तो वो फिलेट बनते ही क्या हो जाता है, वो फिलेट वेल्ड हो जाता है। वेल्ड प्रिपरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फिलेट वेल्ड एज विद अ बट जॉइंट, ठीक है। तो समझ में आ गया, हिंदी में पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो मैं बोल रहा हूं वही चीज हिंदी में लिखी हुई है। अब इसके क्या देखेंगे हम,
वेल्डिंग सिंबल्स देखेंगे, लेकिन वेल्डिंग सिंबल्स की मेरे पास एक ट्रिक है, वेल्डिंग सिंबल आपको उससे पढ़ा देता हूं, और उसके बाद मैं आपको स्ट्रेंथ ऑफ बट वेल्ड का, बट जॉइंट का एक छोटा सा डेरिवेशन भी कराऊंगा, वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए आप सभी लोग स्क्रीन पर देखिए ध्यान से, और ध्यान से आपको इस ये जो शीट मैंने लगाई है, शीट क्या इसको बोलते थे, टीन बोलते थे ना, टीन की चादर। तो यहां एक टीन की चादर है जो कि मुड़ी हुई रखी है, टीन की चादर है जो किस तरीके से रखी है बता देता हूं मैं आपको। अभी हम सिंबल याद करने वाले हैं सारे वेल्डेड जॉइंट्स के। तो एक टीन की चादर है जो किस टाइप से रखी है, इस टाइप से रखी है, ठीक है, देख लीजिए इसको ध्यान से। अब सिंबल्स हमें याद करने के लिए इस टीन की चादर का इस्तेमाल करना है। देखो किस तरीके से करेंगे, सबके दिमाग में टीन की चादर रहनी चाहिए, ठीक है। फिलेट, सबसे पहले पढ़िए फिलेट जॉइंट। तो यहां पर फिलेट लिखा हुआ है, फिलेट का जो सिंबल है वो बड़ा आसान है, क्योंकि फिलेट जब भी हम बनाते थे वो दो शीट्स के बीच में ये फिलेट बनता था, ये। तो फिलेट बनाने के लिए क्या किया, बस हमने जैसे कि हमने इसका डायग्राम, एक डायग्राम बनाया था छोटा सा जिसमें हमने इसकी स्ट्रेंथ का पता किया था, तो हमने क्या किया था, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में जोड़ दिया था, वही जो राइट एंगल निकल के आया था वही इसका सिंबल है, किसका, फिलेट जॉइंट का, दूसरा फिलेट का। फिर आता है स्क्वायर बट। अब स्क्वायर बट में चादर का इस्तेमाल करना है, तो ये जो चादर है ना इसमें दो डंडे लगा दो बस। जैसे ही चादर में दो डंडे लगाए क्या बन गया, एक हमारा सिंबल बना, किसका, स्क्वायर बट का। किसका सिंबल बन गया, ये स्क्वायर बट का बन गया। अब बात हुई सिंगल वी की, तो सिंगल वी की बात हुई तो चादर को के नीचे क्या लगाना है, एक वी लगा देना है। चादर के नीचे जैसे ही वी लगाया हमने तो सिंबल बन गया किसका, सिंगल वी का। अब बात करते हैं डबल वी की। सर डबल वी का क्या होगा, उसके लिए मुझे दो चादर चाहिए, क्यों, क्योंकि सर एक चादर नीचे भी लगानी है। सर इसका क्या होगा, एक वी उल्टा लगा देंगे। जैसे ही ये वी उल्टा लगाया तो ये सिंबल बन गया हमारा किसका, डबल वी का। किसका सिंबल बन गया, डबल वी का सिंबल यहां पे बन चुका है। अब बात करते हैं सिंगल यू की। तो सर सिंगल यू का सिंबल कैसे बनेगा, सिंगल यू का चादर के नीचे यू बना दो, चादर के नीचे यू लगा दिया तो क्या बन गया, सिंगल यू बट जॉइंट का सिंबल बन गया। अब सर डबल यू का कैसे बनेगा, दो यू लगेंगे, अगर दो यू लगा दिए और दो चादर लगा दी उल्टी कर करके तो क्या बन गया हमारा, किसका सिंबल बन गया, डबल यू बट जॉइंट का सिंबल बन जाता है यहां से। अब आगे देखते हैं सिंगल बेवल का। सिंगल बेवल में क्या करना है, बहुत आसान है, ज्यादातर पूछता है तो सिंगल वी डबल वी या फिर आपका फिलेट पूछ लेता है, लेकिन तब भी मैं कुछ एक्स्ट्रा आपको बता देता हूं। सिंगल बेवल में क्या रहेगा, एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे, मतलब आधा के, ठीक है। डबल बेवल में क्या रहेगा, ये रहेगा और इस के को पूरा कर देंगे, ये डबल बेवल बन जाएगा। उसके बाद सिंगल जे और डबल जे, सिंगल जे डबल जे, सिंगल जे का कैसे बनेगा, एक लाइन ऐसे और ये ऐसे, डबल जे इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ाओ, एक शीट और लगाओ और यहां से बढ़ा दो, तो डबल जे का बन गया। उसके बाद आता है स्पॉट, स्पॉट, तो स्पॉट का साइन कैसे बनता है, स्टार जैसे बनता है, जैसे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं तो ये स्पॉट बन गया, ठीक है। उसके बाद आता है सीम, सीम क्या है, सीम, सीम का बनता है सिंपल, बहुत ही आसान है, क्या है, जैसे हम बचपन में खेला करते थे ना कॉपी में, सेम वही है, ये बन गया सीम का साइन। तो ये 12 जो सिंबल्स हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं, इनको आप जैसे मैंने बताया है, बहुत सारे तो इसी से हो जाएंगे भाई, एक टीम की चादर को याद रखना है, सिंगल वी डबल वी, सिंगल यू डबल यू इसी से बन जाएगा, उसके बाद आपका जे इसी से बन जाएगा, सिंगल जे डबल जे, सिंगल बेवल डबल बेवल, ये तो इतने सारे यहीं से बन गए। स्पॉट बहुत आसान है, बना ही सकते हो, और सीम आपको बस याद करना है, ठीक है, सीम आपको
याद करना है, ठीक है। तो इतना ही आसान है, ये आपके सिंबल्स यहां पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक जो बट ज्वाइंट का रहेगा वो रहेगा स्ट्रेंथ ऑफ बट ज्वाइंट। तो आइए देखते हैं एक नया टॉपिक आपका, वो क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ बट ज्वाइंट। और ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो ध्यान से समझिएगा एकदम। ये दो डायग्राम्स मैंने साइड में आपको दिखाने की कोशिश की है, एक है सिंगल वी बट ज्वाइंट और एक है डबल वी बट ज्वाइंट। अभी हम सिर्फ सिंगल पर ध्यान देंगे, सिंगल वी बट ज्वाइंट। अब जो सिंगल वी बट ज्वाइंट है, ये इसका टॉप व्यू है और ये इसका साइड व्यू है, ठीक है। ऊपर से ये कैसा दिखने वाला है, ऐसे ही दिखने वाला है। ये इसका एक साइड व्यू है, हम प्लेट को साइड से देख रहे हैं, ठीक है। अब इसमें दो चीजें हैं, देखो जो प्लेट की थिकनेस है, ठीक है, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, थिकनेस ऑफ प्लेट को हम एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहां से यहां तक जो है ये कितना है, ये एस है, कितना है, एस है, ये हमें पता है, लास्ट में हमने लैप जॉइंट में भी यही किया था। और टी से हम डिनोट करते हैं थ्रॉट थिकनेस, थ्रॉट थिकनेस। तो थ्रॉट थिकनेस कितनी है हमारी, टी। लेंथ ऑफ वेल्ड, क्योंकि वेल्ड तो पूरे पे ही करना है, उसको हमने एल से डिनोट किया, ये कितना है पूरा एल। ये है थ्रॉट थिकनेस, मतलब वेल्ड की मोटाई। तो देखो वेल्ड की मोटाई किसके बराबर होगी, वेल्ड की मोटाई तो प्लेट की थिकनेस के बराबर ही होगी। जितनी मोटी प्लेट हम उतना ही मोटा वेल्ड करेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए। तो जितनी ज्यादा अच्छी स्ट्रेंथ होगी हमारा वेल्ड उतना ही अच्छा होगा। तो यहां पर जो थ्रॉट थिकनेस है वो बराबर हो जाएगी किसके, थिकनेस ऑफ प्लेट के। अब हमें पता है कि जब ये जो वेल्ड जॉइंट है ये जब टूटेगा तो कौन सी स्ट्रेस इस पर लगेगी, जल्दी बताइए इस पर कौन सी स्ट्रेस लगेगी। 3 सेकंड में आपको दे रहा हूं, बताइए, 1, 2, 3, टेंसाइल स्ट्रेस। जिन लोगों ने टेंसाइल स्ट्रेस बोला, एकदम सही बोला, टेंसाइल स्ट्रेस। तो टेंसाइल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, लोड पर यूनिट एरिया, लोड पर यूनिट एरिया। अब कितने एरिया में वेल्ड हो रहा है, तो टी और लंबाई कितनी है भाई, मोटाई गुणा चौड़ाई, तो मोटाई कितनी है टी और लंबाई एल। लेकिन ये एरिया कौन सा एरिया है, इसको बोलते हैं फेलियर एरिया, क्योंकि फेलियर अगर होगा तो इसी एरिया पर होगा। तो फेलियर एरिया कितना है, टी इंटू एल। अब यहां से मैंने क्या किया, एरिया ए की जगह पर टी इंटू एल रख दिया, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। अब यहां से अगर मैं लोड निकालूं तो लोड का फॉर्मूला क्या आएगा, सिग्मा टी इंटू टी इंटू एल। ये आ गया स्ट्रेंथ का फॉर्मूला, किसके लिए, सिंगल वी बट जॉइंट के लिए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसी फॉर्मूले को आप इस्तेमाल करेंगे कब, सिंगल वी बट जॉइंट के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं डबल वी बट जॉइंट के लिए। डबल वी बट जॉइंट के लिए अब हम बात करेंगे। तो इसमें टोटल थिकनेस देखेंगे प्लेट की, वो कितनी है, एस है। टोटल थिकनेस कितनी है, एस है दोनों प्लेट्स की। अब यहां पर दो थ्रॉट थिकनेस आएंगे हमारी, तो थ्रॉट थिकनेस ऑफ अपर प्लेट होगी वो होगी T1, ये रही T1 जो ऊपर वेल्ड हुआ हुआ है, क्योंकि हमने क्या करना है, दो V को हमें मिला देना है, ये इस तरह का वेल्ड ये बनेगा हमारा, ठीक है। तो थ्रॉट थिकनेस ऑफ अपर प्लेट कितनी है, T1, और थ्रॉट थिकनेस, चलो लिख ही देते हैं, नहीं तो आप लोग मेरे से ज्यादा आलसी हैं, आप भी ऐसे ही करेंगे, तो पूरा लिखना, थ्रॉट थिकनेस ऑफ लोअर प्लेट कितनी है, T2। तो यहां तक का जो एरिया है ये कितना है, T1,
और यहां तक का जो एरिया है वो कितना है टी टू, ये डिस्टेंस कितना है टी वन, ये कितना है टी टू, ठीक है। अब टोटल की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये कितना था एस, ये कितना है एस, तो अगर मैं इसको बराबर रखू एस के तो ये टी वन प्लस टी टू आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सिंपल टूटेगी तो ये भी टेंसाइल स्ट्रेस से ही, तो लोड पर यूनिट एरिया। अब फेलियर एरिया कितना होगा इसका, फेलियर एरिया होगा इसका टी वन प्लस टी टू इंटू एल, जो वेल्ड की लंबाई है वो तो एल ही है, बस ये बढ़ गया, तो टी वन प्लस टी टू इंटू एल, ये आपका एरिया आ गया। पुट कर दो सिंपल फॉर्मूला आएगा लोड सिग्मा टी इंटू टी वन प्लस टी टू इंटू एल, ये फॉर्मूला किसके लिए आ गया, ये फॉर्मूला आ गया आपका डबल वी बट जॉइंट के लिए। तो अगर हमें डबल वी बट जॉइंट की स्ट्रेंथ पता करनी है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, और सिंगल वी की पता करनी है तो सिग्मा टी इंटू टी इंटू एल, ये फॉर्मूला लगाएंगे। ये दोनों फॉर्मूले आपको नहीं भूलने हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं दोनों। अच्छा, इसमें एक केस और आ जाता है आपका, केस ये है कि अगर टी वन बराबर है टी टू के, अगर थ्रॉट थिकनेस टी वन यानी कि जो थ्रॉट थिकनेस है अपर प्लेट की वो बराबर है थ्रॉट थिकनेस टी टू के, तो क्या होगा, एक कंडीशन यहां पर आ जाएगी, एक कंडीशन यहां पर आ जाएगी टी वन इक्वल टू टी टू किसके बराबर हो जाएंगे, टी के बराबर हो जाएंगे, किसके बराबर हो जाएगा टी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये किसके बराबर हो गया टी के बराबर हो गया, तो ये भी टी क्या हो गया टू टी, टूटी हो गया। तो फॉर्मूले जो हमने लिखा है सिग्मा टी इक्वल सॉरी पी इज इक्वल टू सिग्मा टी इंटू टी वन प्लस टी टू इंटू एल, तो टी वन प्लस टी टू क्या हो गया टूटी, ये कब होगा जब थ्रॉट थिकनेस बराबर है। तो ये इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है कि अगर थ्रॉट थिकनेस बराबर होगी तो कौन सा फॉर्मूला होगा डबल वी बट जॉइंट के लिए, तो ये फॉर्मूला होगा अगर थ्रॉट थिकनेस दोनों की बराबर है, यानी कि ये जो है बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। तो अब एक और क्वेश्चन पूछता है कि सर स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, सिंगल वी बट जॉइंट की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी या डबल वी बट जॉइंट की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कौन से जॉइंट की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, डबल वी बट जॉइंट, सिंगल वी बट जॉइंट, बताइए कौन से जॉइंट की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, बताइए किधर लगा दूं, इधर, कितने लोग इधर बोल रहे हैं, कमेंट करके यस बोलेंगे बिना देखे, गलत है ये। तो जो हमारा डबल वी बट जॉइंट होगा उसकी जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सिंगल वी बट जॉइंट, तो डबल वी बट जॉइंट की स्ट्रेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू सिंगल वी बट जॉइंट के लिए। तो आज का लेक्चर इतना ही, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, शेयर कीजिएगा, मैं उम्मीद करता हूं आपकी कुछ हेल्प हो पाई होगी हमारे इस छोटे से इनिशिएटिव से। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया गया है, इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो बच्चों मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।